नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं 750 वोल्ट और 415 वोल्ट कैसे कोर्स में आता है। कई लोग डिमांड कर रहे थे कि फिर से वीडियो बनाइए, तो दोबारा आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले कपलर के द्वारा सप्लाई 750 वोल्ट, ये डिस्कनेक्टिंग एंड अर्थिंग डिवाइस डीएनडी में आ जाता है। ठीक, इसको बोलते हैं डीएनडी, डिस्कनेक्टिंग एंड अर्थिंग डिवाइस। ये होता है 125 एम्पियर का अर्थिंग डिवाइस होता है, जो डीएनडी होता है। इसकी रेटिंग है 125 एम्पियर का। ठीक है, इधर करेंगे ये ऑफ और अर्थ दोनों हो जाएगा, इधर करेंगे तो ऑन होगा। इसका रीजन ये है, इसलिए दिया है कि जब भी इस कोच पैनल में काम करना हो तो डीएनडी को ऑफ करके हम काम करेंगे तो कोई भी सप्लाई इधर नहीं जाएगी। ठीक है, जो कपलर से सप्लाई आता है रेड येलो ब्लू और ब्लैक न्यूट्रल, ये यहाँ पे आता है। ठीक, एक एक नेट का और दूसरे नेट का रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल, ये दूसरे नेट का यहाँ से आता है। ठीक, यहाँ से 750 तीन फेसों के द्वारा इधर इंटर होता है। जैसे हम डीएनडी ऑन करते सप्लाई इधर आती है, यहाँ से सप्लाई निकलती है। ये देखिए सप्लाई नीचे 125 एम्पियर के 4 CFU 6 लगे हुए हैं, नेट 1 के ये 3, नेट 2 के वहाँ पे 3 है। ठीक है, ये 4 CFU के द्वारा सप्लाई पास होता है और ये 4 CFU के द्वारा जो सप्लाई है वहाँ से पास होके, और यहाँ देखेंगे इधर तो K1 K2 दो कॉन्टेक्टर है, K1 K2 दो कॉन्टेक्टर है। इस कॉन्टेक्टर में इन करता है, दोनों में से आपस में से कोई एक बार में एक ही ऑन होगा। जैसे ऑन होगा सप्लाई बाहर निकलेगी, तो इन दोनों कॉन्टेक्टर का क्या आपस में लूप करके और तीन ही तार निकाला है, न्यूट्रल को बाहर निकाल दिया। ठीक है, निकाल के अब देखेंगे तीनों तार को यहाँ पे ले गया है सीडी ट्रांसफार्मर के द्वारा। ठीक है, ये सीडी ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, तो जो कोच का एम्पियर बताता है कितना लोड ले रहा है, एसी एम्पियर कितना लोड है, जो मीटर बताता है उस मीटर को ये सप्लाई यहाँ से जाती है। जो एम्पियर मीटर है यहाँ का, इस एम्पियर मीटर का काम ये सीटी ट्रांसफार्मर करता है। ठीक है, अब यहाँ से जो सप्लाई है रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल, ये चला जाता है 60 KVA ट्रांसफार्मर में। 60 KVA ट्रांसफार्मर आपको दिखाते हैं, ये कोच के नीचे होता है। ये 60 KVA ट्रांसफार्मर इन करता है, 60 KVA ट्रांसफार्मर 750 को 415 में कन्वर्ट करके फिर ये सप्लाई वापस फिर मतलब फिर कोच के अंदर जाती है पैनल पे। फिर ये वापस सप्लाई जा रही है कोच के अंदर, आपको दिखाते हैं अब वहाँ कहाँ पे आती है। जब 60 KVA ट्रांसफार्मर से 750 को 415 में कन्वर्ट कर देता है तो वो सप्लाई यहाँ पे 4 CFU 100 एम्पियर के 4 CFU पे आती है, रेड येलो ब्लू। यहाँ सप्लाई अब निकलती है, ये सप्लाई निकलेगी और ये K44 कॉन्टेक्टर के इनपुट, ये ऊपर है इनपुट में आएगी। ठीक, अब इनपुट से सप्लाई जब कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो नीचे आएगी आउटपुट में आएगा। यहाँ से क्या होगा देखेंगे, यहाँ रेड पे 3 तार है, ब्लू येलो पे 3 तार है, ब्लू पे 3 तार है और न्यूट्रल पे 2 तार है। ठीक, तो एक रेड ये देखिए, एक रेड पहले वाले प्लांट 2 के लिए आ गया, दूसरा रेड प्लांट 2 के लिए चला गया यहाँ पे। अब देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए प्लांट 2 के लिए चला गया। ठीक, तीसरा येलो प्लांट 1 2 के लिए चला गया, जो चौथा येलो है प्लांट 1 के लिए चला गया, ये एक ब्लू प्लांट 2 के लिए चला गया और एक ब्लू यहाँ। अब यहाँ क्या, यहाँ पे क्या है, 3 फेस यहाँ पे आ गए, 14 नंबर MCB पे 3 फेस यहाँ आ गया। अब यहाँ पे क्या गया, यहीं से लूपिंग किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 रेड का लूपिंग बना यहाँ पे, तो एक रेड यहाँ से लाया पहले इस MCB में ले गया। ठीक, इस MCB से क्या किया, सबको लूपिंग दे दिया, यहाँ से लाया और एक यहाँ ले गया, ये रेड इसको दे दिया, ये रेड इसको दे दिया, ये रेड इसको दे दिया, ये रेड ऐसे दे दिया, तो सभी MPCBO में रेड मिल गया। अब येलो उठाया, एक येलो पहले यहाँ लाया, यहाँ से ऐसे ले गया, ऐसे ले गया, ऐसे ले गया, और सभी में रेड येलो मिल गया। फिर वो ब्लू ले गया, एक ब्लू लिया और इस MPCB में लाया, यहाँ से सबको ब्लू का लूपिंग दे दिया, तो जो ये MPCB है सबको 3 फेस मिल गया है नीचे। अब जैसे ही MPCB ऑन करेंगे तो कॉन्डक्टर को सप्लाई पास हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा का भी सेम वैसे ही, K44 से यहाँ सप्लाई आया, यहाँ आया, यहाँ सभी MCB को लूपिंग कर दिया है। ठीक है, और जैसे जिसको ऑन करेंगे उसको कॉन्टेक्टर को सप्लाई मिल जाएगी। ठीक, अब कॉन्टेक्टर को सप्लाई कैसे यहाँ से जाती है वो अगली वीडियो में बताएंगे। तो इस तरह से कोच के अंदर 3 फेस आ जाता है। ठीक है, 3 फेस आपको समझ लीजिए कि 3 फेस ऐसे आ जाता है, और यहाँ से अब जिसको 2 फेस की आवश्यकता है तो एक फेस उठाएगा, एक रेड ले लेगा, एक न्यूट्रल, और रेड न्यूट्रल के साथ देगा, तो 2 पोल का 230 वोल्ट का ये सप्लाई। देखिए ये 4 MCB है, जो मिनी पेंट्री वाली है हॉट गैस वाले, इनको 230 पे चलते हैं। ये वाटर बॉयलर, सूप बॉयलर, हॉट गैस बॉटल बॉयलर, रेफ्रिजरेटर है जो मिनी पेंट्री का है, ये 230 पे है। तो इसको क्या है, एक फेस और एक न्यूट्रल दे दिए, 230 पे ये काम ये MCB करने लगी, और इनको जिनको 3 फेस चाहिए वहाँ पे लूपिंग करके, ये इधर 3 फेस, इधर कोई भी MCB 3 फेज की नहीं है, इधर जितनी MCB है सब DC के MCB है, 110 वोल्ट DC के MCB इधर इस साइड में,
हमारे हाथ के लेफ्ट साइड में सब एसी के एमसीबी है और राइट साइड में जितनी एमसीबी है वो डीसी के एमसीबी है। तो इस तरह से कोच के अंदर थ्री फेज अब आ गया। अब यहाँ से डिसाइड होगा कि ब्लोअर को चालू करना है, कंप्रेसर चालू करना है, जिसको चालू करना है उसकी एमसीबी चालू करिए। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ सप्लाई जैसे मान लो एग्जाम्पल में समझ लो कि ब्लोअर को ऑन किया, तो ब्लोअर को जैसे ऑन किया तो ब्लोअर की सप्लाई 28 नंबर ब्लोअर में गई, ब्लोअर से आउट हुआ वागो में गया, वागो से आउट हुआ सीधा रूफ के ऊपर छत के ऊपर चला गया, छत के ऊपर जंक्शन बॉक्स में जाके जंक्शन बॉक्स से निकल के सीधा उस ब्लोअर मोटर को सप्लाई चला गया। तो इस तरह से अभी अगले वीडियो में इसको डिटेल से दिखाएंगे कि कैसे कंडक्टर कहाँ कहाँ जाता है। तो इस तरह से कोच के अंदर थ्री फेज आ गया। एक बार आपको फिर से थ्री फेज रिपीट करा देते हैं। जैसे ही कपलर लगाएंगे, कपलर के द्वारा दोनों फीडर का सप्लाई इस डीएनडी में आती है। डीएनडी 125 एम्पीयर का होता है, डीएनडी सप्लाई निकलेगी 750 वोल्ट। ये 125 एम्पीयर के चार्जिंग फ्यूज में 750 वोल्ट आ जाता है, यहाँ से सप्लाई निकलेगी। तो ये हमारा K1 K2 में 750 वोल्ट आ जाएगा। दोनों में से K1 K2 में से कोई एक ऑन होगा, जैसे ऑन होगा तो इनके द्वारा सप्लाई जाएगी किसको, ट्रांसफार्मर 60 केवी ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर से जब 750 को ट्रांसफार्मर 415 में कन्वर्ट कर देगा तो ये 100 एम्पीयर का जो चार्जिंग फ्यूज है इसमें सप्लाई आएगी। ये चार्जिंग फ्यूज से जो सप्लाई आएगी वो K44 के इनपुट में ऊपर आएगी। K44 जैसे ऑन होगा इनपुट से आउटपुट निकलेगी, आउटपुट निकलेगी इस एमसीबी के बस बार में यहाँ पे आ जाएगा। इसको बस बार ही समझ लीजिए आप, बस बार आ गया, यहाँ से ऐसे सबको लूपिंग कर दिया दो भागों में और दोनों एमसीबी को सप्लाई मिल गई और इस तरह से 750 440 में 415 में कन्वर्ट होकर कोच को 415 इस तरह से मिल जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।